सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने सुनी है कि एक पति के जिंदा रहते हुए पत्नी विधवा पेंशन का लाभ ले रही है? यही नहीं, उस पत्नी के घर में कई लोग सरकारी सेवा पर कार्यरत है, बावजूद इसके क्या आराम से सरकार जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा उठा रही है। आज हम ऐसी ही कहानी आपको सुनाएंगे, जहाँ सरैयाहट प्रखंड के धनवे गांव का एक मामला है, जहां आशा देवी पति के जिंदा रहते हुए भी पेंशन का लाभ उठा रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस खबर को उनसे जानने की कोशिश की तो वह सच पका गई। हालांकि जब मैंने इस मामले को यहां के उप विकास आयुक्त यानी कि DDC से बात करी तो उन्हें इस बात के मामले से साफ इनकार किया कि उन्हें कोई जानकारी है, लेकिन उन्हें साफ तौर पर कहा कि ऐसे मामले सामने आए हैं तो उनकी जांच कर सीधी कार्रवाई की जाएगी और जो दोषी होंगे उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस चूंकि आज पहली बार ये जो आपने पर्टिकुलर केस बताया ये पहली बार संज्ञान में आया है, तो इसकी जरूर जांच गहनता से करवाई जाएगी। इसमें दो बिंदु हैं, यदि वो वास्तव में जो भी महिला हैं और वो योग्यता नहीं रखती होंगी तो उनका पेंशन तो कैंसिल कराया ही जाएगा, साथ में जो दोषी व्यक्ति हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चीज़ इसमें एक ये भी है कि सरकार ने यूनिवर्सलाइजेशन जो किया है उसमें विधवा पेंशन का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ाया है और अब परित्यक्ताएँ भी उसमें इंक्लूड है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस जो आप बता रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, आपने ही जानकारी दी है, तो इसकी ज़रूर इसकी गहन जाँच की जाएगी और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये जो जो स्पेसिफिक जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो आप उसका जो भी रेफरेंस है वो आप दे देंगे तो जरूर उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि आखिर इस सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जो दूसरों लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और क्या यहाँ के पदाधिकारी ऐसे गलत काम करने वाले लोगों पर क्या सीधी कार्रवाई करते हैं या नहीं, यह तो समय ही बताएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, ABP News।